एक चीज जरूरी होती है अगर हम रूम में आते हैं होटल के, एंड दैट इज एंड गाइस फाइनली हमारे यहाँ कान उड़ल आ चुके हैं। तो गाइस जितने ऊपर हम जा रहे हैं उतने हमारे कान बारिश से हो रही हैं। सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी हमें हरिद्वार में करंटली, सो अभी हम बस ब्रश वगैरह हमने कर लिया, बस अभी हम जाएंगे बाहर ब्रेक सॉरी अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद हम जाएंगे मंसूरी। सो आई होप आप एक्साइटेड हो गया, एंड देखो हमारे कुछ बैग पैक हो गया है बिकॉज हम जैसे एक दिन हम मंसूरी रुकेंगे, उसके बाद जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे, वो आपको आता रहेगा दो दो दिन बाद व्लॉग्स में, दो तीन दिन की गैप में। एंड जो ट्रेन वाली जर्नी का व्लॉग था वो मैंने कल ही एडिट कर दिया था, लेकिन मेरे फोन में नेट नहीं था और यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल नहीं था। सो मैं जो होटल है हमारा अभी मंसूरी में जाएंगे वहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है तो हम वहाँ पे ही करेंगे अब। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस चेकआउट हमने कर दिया है, बाय बाय टू धर्मशाला, लेट्स गो। पहले कुछ खाते पीते हैं फिर चलते हैं मंसूरी। सो अभी हमने ऑटो ले लिया, अभी हम कहाँ जा रहे हैं पापा? भोजन कर रहे हैं, रसोई ढाबा। रसोई ढाबा तो चलो चलते हैं। हाँ जी ढाबे का नाम रसोई ढाबा, रसोई ढाबा। हाँ जी स्पाइसी ना होना चाहिए ना। तो आप ये रसोई ढाबा चलो आप ट्राई करते कैसा खाना होगा। तो पापा अभी क्या मंगाया है? क्या मंगाया अभी? कोई सादा खाना है, सादा आलू प्याज का पराठा और एक प्लेन पराठा और दही। और दही सो हमारा है आलू प्याज का परांठा और पापा खा चुका है नॉर्मल प्लेन परांठा। एंड हमारी फुल भरे हुए कप से भरे हुए कप की चाय आ गई, ऐसी चाय आ गई पूरन चाय नहीं पी सकते हम पेट बस हो जाएगा काम हो जाएगा। अच्छा मशहूर जगह चाय कौन पीता है पापा? चीजें खाएंगे मैगी मोमोज। सो अभी गाइस हम टैक्सी की वेट कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मिली है, ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं, पता नहीं देखो 10-15 मिनट लगेगा टैक्सी को आने में। पापा कुछ दवाई लेने गए हैं वैसे बीमार हो, पापा वैसे कुछ नॉर्मल रेगुलर दवाई लेने गए हुए हैं। एंड अभी टाइम हो रहा है 11 PM, देखते हैं 11:10-11:20 तक आएगी हमारी टैक्सी, उसके बाद हम बैठेंगे आई गेस 1:30-2 बजे के आसपास पहुँचेंगे। तो पापा आ चुके हैं फाइनली। हाँ जी तुम्हारे साथ खड़े हैं सतीश जी खस्ता कचौड़ी वाले। हाँ जी और चीज़ दिखाते हैं यूनिक। अच्छा यूनिक बोलो। हाँ जी पत्ता देखो पत्ता यूनिक बोलेंगे इसको यूनिक एंटिक। सो गाइस अभी हमें क्या मिल चुके पापा फिर उस टाइम। तो गाइस जितने ऊपर हम जा रहे हैं उतने हमारे कान बारिश से हो रही हैं, बंद सा फील हो रहा है पापा। आपके भी कान बंद हो रहे हैं? अब तुम देहरादून भी नहीं पहुंचे, जितना जाएंगे ना ऊंचाई पे जाएंगे। हाँ जी तो होगा। सो फाइनली पापा और हम पहुंच चुके हैं मसूरी, कैब वाले भैया ने हमें ड्रॉप कर दिया। तो चलो अब हम होटल जाते हैं, अभी होटल लेंगे हम तो ढूंढते हैं चलो बनाएंगे देंगे। ओके सो बेसिकली गाइस हमें हमारा होटल मिल चुका है स्टारबक्स के सामने, होटल ब्राइट स्टार। तो चलो अंदर लेके चलता हूँ आपको पहले। सो ये है एंट्री, यहाँ पे है रिसेप्शन, तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हो, चेकआउट टाइम सेकंड टाइम लिखा हुआ है। चलो अंदर चलते। सो गाइस दिस इज आवर रूम, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है एंड यहाँ पे लाइट्स वगैरह की स्विच है। ये अलमारी है जिसके अंदर आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हो। ये मैं हूँ, ये टीवी है, ये आई गेस केबल, ये हम घर से लाए हैं या हमें टावर मिला है, ये शॉप मिला था पापा? मैंने यूज़ किया है। अच्छा एंड यहाँ पे मेन्यू है होटल ब्राइट स्टार का और ये केतली है, इसमें पानी गर्म होता है, मे बी केबल लगानी होती है आई गैस या चार्जिंग वाली है पता नहीं। ये हमारा बैग पड़ा हुआ है एंड यहाँ से आपको व्यू मिलता है खूबसूरत।
माउंटेन्स का हवा। नीचे ध्यान से आना गाइस, आजा पापा ध्यान से आना। एंड दिस इज द व्यू भाई, क्या बात है, क्या ही नज़ारा आ रहा है। मतलब प्रभु सूर्य देवता, सूर्य देवता जी जय हो, जय हो। एंड ये है बेड, यहाँ पे प्लग्स मिल जाएंगे आपको, आई गेस दो प्लग है तो बहुत अच्छी बात है, बेड के साइड में प्लग्स हैं। एंड गाइस दैट फ्रेंडली है और बहुत प्यारा रूम है, मॉडर्न। तो यहाँ पे नंबर मिला सकते हैं जो मैं ऑर्डर ऑर्डर करना हूँ। एंड ये है वॉशरूम, एंड वेरी नाइस वॉशरूम। सीट भी मतलब आई गेस क्लीन ही है, बाकी दिखाने में क्या ही होगा, लेकिन हाँ आई गेस क्लीन है, आई गेस का सो मतलब सीट वगैरह तो क्लीन है, बाकी मैं क्या ही दिखाऊंगा। एंड अगर आप वॉशरूम की अगर आउटलुक ही देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वॉशरूम बढ़िया ही है। ऐसे है हमारा कुछ रूम, छोटा सा टूर मैंने आपको दे दिया, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बजट में हो और बहुत मॉडर्न रूम चाहिए, पर पापा आपने उम्मीद करी थी इस बजट में यहाँ पे याद है। फन फैक्ट हम यही उतरे थे और वापस में यही से हमने रूम लिया, फन फैक्ट। एंड बाकी पापा आपको क्या लगता है इस बजट में, वही बात है, चलो एक ही बात है, देखो देर है दुरुस्त है, क्या देर है दुरुस्त है, लेकिन आपको बजट के हिसाब से क्या लगा है? ठीक है, इतना तो यार चलता ही, देखो बजट के हिसाब से तो रूम भी बढ़िया है, अंडररेटेड है वो, है ना, अंडररेटेड ठीक है, महंगा नहीं है, महंगा नहीं है। सो गाइस अगर हम कभी भी होटल आते हैं जैसे ट्रिप पे साल में एक बारी दो बारी, तो एक चीज जरूरी होती है अगर हम रूम में आते हैं होटल के, एंड दैट इज मतलब गाइस जब मतलब मॉडर्न वाला रूम मिलता है तो ऐसी अलग ही वाइब आती है, मतलब ऐसा रूम भी होना चाहिए भाई गाइस घर में, हम भी ऐसा रूम बनाएंगे। सो गाइस अभी हम तैयार हो चुके हैं, मैंने फुल जीन्स, ये हमारे नए रीबॉक के जूते, एक मैं दो दिन पहले टी शर्ट लाया था, तो आप बताओ ना कैसा आउटफिट लग रहा है मेरा। एंड गाइस अभी हम बाहर माउंट रोड मतलब एक्सप्लोर करने निकले थे, लेकिन बारिश आ गई, क्या करें, कोई ठंड भी है गाइस, नॉर्मल नहीं नए शूज ऐसा लग रहा है। हाँ ये भी तो लिए थे आप वाले, हाँ जी इसको तो बहुत टाइम होगा लिए, बस पहले नहीं थे। अच्छा हम आए एक बढ़िया से होटल में पापा जी, तो अभी हमें क्या ऑर्डर करें, जो कैन ऑर्डर लिया, हाँ जी देखते हैं, व्यू तो आया रहा जी, मेन चीज़ यहाँ पे ये है वाह व्यू, मतलब हक्का नूडल खाएंगे हम यहाँ पे व्यू के साथ। एंड गाइस फाइनली हमारे हक्का नूडल आ चुके हैं पापा, लेट्स हैव, भोग आपको लगाते हैं। स्पाइसी है, तो गाइस पापा का फोन गिर गया, फोन गिर गया लेकिन बचाव हो गया, शुक्र है नीचे नहीं गिरा। हाँ पपट हो जाता, ये गांठ टूट गया, रख दो ये हमारा टूर बन जाता भैया, हां टूर बन जाता हमारा, तो हां ते गार्डन बटे इस, क्योंकि अटे नहीं पहुंचे क्योंकि अरे जगह वधा रहे, अरे अंदर हम दियो जोर दियो ये पर हटा नहीं। सो भी माल रोड पे हमें जगह दिखी, यहां पे व्यू देखो, एंड गए उसके बाद हमने मोर रोड पे चाय और गुलाब जामुन लिया था, चाय टेस्टी थी, एंड आई गेस ये लक्ष्मी स्वीट शॉप पे थे, तो आप यहाँ का कुछ नज़ारा देख सकते हो, यहाँ पर स्वीट्स वगैरह नमकीन वगैरह चीज़ें थी। तो अभी हम पहुँच गए गन हिल व्यू की रोड पे, तो खाली आ रही बिल्कुल लग रहा था, तो अरे वापसी जो आ रही है, अच्छा वापसी खाली आएगी, भैया मिले थे नोएडा से, नोएडा से नाम बताओ अपना, शुभ नाम अभिषेक यादव, अवनी, पास फोड़ने पे 2000 का इनाम है, वाह जी वाह, ठीक है भैया जय श्री शाम जी, जय श्री राम।